नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन नाइन न्यूज। मैं राशिद अली, स्वागत है आपका बेदी खास प्रोग्राम में। साल 1938 में उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में, जिसका पूरा नाम है अगर मैं आपको बताऊं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मोहम्मद अली जिन्ना को लाइफ टाइम मेम्बरशिप के अवार्ड से नवाजा जाता है। और इसको लेकर विवाद 2018 में होता है, यानी कि उसके 80 साल बाद। नेताओं को पता है, पुलिस प्रशासन को पता है, वहाँ की सरकारों को पता है कि आखिर यह मामला अब कितना तूल पकड़ चुका है और मामला कितना नाजुक हो चला है। महज एक फोटो का विवाद इतना ज़्यादा उठ जाएगा, ये किसी ने सोचा नहीं था। वहाँ पर इतना प्रदर्शन होगा, इतना उगारू प्रदर्शन होगा, इतना उग्र प्रदर्शन होगा, वहाँ पर लाठियाँ भांजनी पड़ जाएंगी पुलिस को, ये किसी ने सोचा नहीं था। मात्र एक फोटो की हटाने को लेकर पनपा विवाद इतना भड़क जाएगा, राजनीतिक गलियारों में इतनी हलचल पैदा कर देता, ये किसी ने शायद सोचा नहीं था। और ऐसे मामले के बीच अगर कोई नेता ये आकर घोषणा करता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैंपस से मोहम्मद अली जिन्ना की फ़ोटो को जो भी व्यक्ति बाहर उसे लाकर जलाएगा, उसको 1,00,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। इस पर आप अपनी राय जरूर रखिएगा और मुझे बताइएगा कि आखिर अब ऐसे माहौल, कहीं ना कहीं जब ऐसा नाजुक माहौल बना हो और उस दौरान अगर कोई व्यक्ति ऐसी घोषणा करे, या जब कोई समाज का जिम्मेदार आदमी, कोई नेता ऐसी घोषणा करे कि जो व्यक्ति उस यूनिवर्सिटी से फोटो को लाकर बाहर जलाएगा, मैं उसे 1,00,000 रुपये का इनाम दूंगा, क्या ये सही है? क्या ये हमारी इंसानियत पर सवाल नहीं उठाता? क्या ये नहीं दिखाता कि क्या हम समाज के एक जिम्मेदार नागरिक हैं और हमें ऐसी घोषणाएँ करनी चाहिए या हमें ऐसा ऐलान करना चाहिए? मैं अलीगढ़ की बातों को ध्यान ही रहा था, अलीगढ़ की खबरों को पढ़ ही रहा था। एक खबर मेरे नज़र में आई, एक खबर पर मेरी नज़र पड़ी और उस खबर को पढ़कर मैं चौंक गया कि शायद क्या कोई व्यक्ति ऐसा भी कर सकता है? क्या ये सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की पहल नहीं है? क्या आपको लगता नहीं कि ऐसे ऐलानों से कहीं ना कहीं हमारे समाज का माहौल बिगड़ेगा, या वहाँ का जो माहौल चल रहा है उस माहौल में कहीं ना कहीं एक और दाग लग सकता है? मैं आपको एक खबर से रूबरू कराना चाहूँगा, इस पूरी खबर से। आखिर वो कौन से ऐसे नेता हैं, ज़रा आप भी जानिए, और किस नेता ने ऐसी पहल की है? ऐसे कौन से नेता हैं जो आखिर ऐसे नाजुक माहौल में वहाँ पर ऐसा ऐलान कर वहाँ का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं? आप जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि आखिर कौन सा समुदाय है और कौन सा ये दल है जो ये चाहता है कि वहाँ का माहौल और बिगड़े। मैं आपको सीधे लेके चलता हूँ खबर की ओर। खबर का शीर्षक पढ़कर आप जानेंगे, जिन्ना की तस्वीर उखाड़कर लाने वाले को देंगे 1,00,000 का इनाम। आपने देख लिया होगा। अब मैं आपको नीचे खबर की ओर ले चलता हूं, जिसमें आपकी सारी कंफ्यूजन आप देख सकते हैं। तस्वीर को लेकर उठा विवाद थमने की जगह लगातार बढ़ता जा रहा है। जिन्ना की तस्वीर के विवाद को लेकर अब विश्व हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र पवार भी कूद पड़े हैं। धर्मेंद्र पवार इनका नाम है और जो विश्व हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने जिन्ना की तस्वीर को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा है कि एमयू कैंपस से जिन्ना की तस्वीर को जो बाहर लाकर जलाएगा, उस व्यक्ति को 1,00,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। जाहिर सी बात है, बता दें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लगी जिन्ना की तस्वीर को हटाने के लिए हिंदू संगठनों द्वारा लगातार आंदोलन किए जा रहे हैं। और अगर बात करें अमरोहा जनपद में प्रदेश स्तरीय बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे विश्व हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह पवार ने कार्यक्रम के आखिरी में मीडिया से बात करते हुए जिन्ना विवाद पर यह विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह मेरे देश का दुर्भाग्य है कि जिन्ना जैसे की तस्वीर हमारे देश के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में है। उन्होंने कहा कि जो लोग जिन्ना की तस्वीर का समर्थन कर रहे हैं, मेरी निगाह में वो आतंकवादी हैं। इनका बयान आपने सुना होगा कि जो लोग जिन्ना की तस्वीर का या जिन्ना का समर्थन करते हैं, वो लोग मेरी नज़र में आतंकवादी हैं। जबकि मैं आपको बता दूं कि अलीगढ़ में ऐसा कोई छात्र नहीं है जो वहाँ पर जिन्ना का समर्थन करता हो। ये किस्सा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। 1938 का ये मामला है, जब मोहम्मद अली जिन्ना को वहाँ की यूनियन ने लाइफ टाइम मेम्बरशिप के अवार्ड से नवाजा था। और वहाँ केवल जिन्ना की फ़ोटो नहीं है, बल्कि वहाँ केवल महात्मा गांधी की फ़ोटो नहीं है, और भी महान व्यक्ति हैं जो देश और विदेश के हैं, जिनको इस अवार्ड से नवाजा जा चुका है। लेकिन जिन्ना की तस्वीर को लेकर ये गरमाया विवाद पता नहीं कब थमेगा। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं
नेताओं के इस तरह के बयान सामने आना एक लाजमी सी बात है कि आखिर ये ऐसे नेता जो ऐसे बयान देते हैं वो कहीं ना कहीं मामले को दबाना नहीं बल्कि बढ़ाना जानते हैं, वहाँ के मामले को दबाना नहीं बल्कि बढ़ाना जानते हैं। ये चाहते हैं कि वहाँ का मामला और तूल पकड़े बल्कि वहाँ पे विवाद ख़त्म ना हो। और जब इन्होंने बात की है कि जो व्यक्ति जिन्ना का समर्थन करता है उसे आतंकवादी मानते हैं, तो वहीं मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाना ज़रूरी समझता हूँ जिसमें आप समझेंगे कि आखिर जिन्ना की तस्वीर का या जिन्ना का कोई भी वहाँ पर समर्थन नहीं करता, बल्कि ये यूनियन ने एक अवार्ड दिया था ये इसके लिए ताकि उनका देश में क्या योगदान था 1938 में आज़ादी से पहले, और उस दौर पर नज़र डालकर हम देखें और उस दौरान जो लोगों ने सामाजिक कार्य किए थे उसके लिए लोगों को ये अवार्ड दिया गया था। देखिए खास रिपोर्ट। उस यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन हाल में मोहम्मद अली जिन्ना की फोटो लगी हुई है, इसमें कोई शक नहीं, मैं भी रहा हूं, मैंने देखा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आज़ादी से पहले से लगी है या आज़ादी के बाद से लगी, हिंदुस्तान की आज़ादी, क्योंकि वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1938 में आए और तब उस वक्त की मौजूदा यूनियन ने उनको लाइफ मेंबरशिप दिया। उससे पहले से जब से गांधी जी को दिया गया, नेहरू जी को दिया गया और सऊदी अरब के किंग को दिया गया, ईरान से बुलाए गए उनको दिया गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बुलाकर, और उसमें मोहम्मद अली जिन्ना 1938 में आए उनको भी दिया गया। इस पे सवाल तो कोई कर ही नहीं सकता कि आज़ादी से पहले क्या हुआ था हिंदुस्तान के अंदर। तब तो हिंदुस्तान एक ही था ना, पाकिस्तान तो बना ही नहीं था, वजूद में भी नहीं था। और मोहम्मद अली जिन्ना की तो आज के वक्त में जो है पार्लियामेंट के अंदर फोटो लगी है, उसको क्यों लोग उस पर क्यों नहीं शूट आते हैं? उसमें तो पूरा हिंदुस्तान बैठता है, उसमें तो पूरे हिंदुस्तान के लोग बैठते हैं, पूरे हिंदुस्तान को लोग लीड करने वाले जो लीडर हैं उसके अंदर बैठते हैं, उसको उनको ऊपर सवाल क्यों नहीं उठाया जाता है? जो लोग इस बात पर सवाल उठाते हैं तो उनको ये चीज़ मालूम होना चाहिए। और दूसरा अहम चीज़, सबसे बड़ी चीज़ जो ये है कि हिंदुस्तान में बहुत ऐसी चीज़ें बनी हुई हैं जो आज़ादी से पहले की बनी हुई हैं और लोग आज उस पर फख्र करते हैं। भाई अगर ताजमहल है तो मुगलों को इतना गाली दिया जाता है हिंदुस्तान के अंदर, मुगलों की बनाई हुई ताजमहल, मुगलों का बनाया हुआ लाल किला, वो जो अभी तक के उस पर झंडा फहराया जा रहा है, मुगलों का बनाया हुआ हर चीज, अंग्रेजों का बनाया हुआ सारी चीजें बनी बची हुई हैं। अंग्रेज सबसे बड़े दुश्मन थे हिंदुस्तान को डिवाइड करने के लिए, तो उनकी चीजें बनी हुई हैं उस पर भी सवाल तो करना चाहिए कि वो क्यों, वो तोड़कर फिर से नया बनाना चाहिए था। 1947 में कहते थे कि नहीं, जमीन पाट के और हम अपनी नई चीज बनाएंगे, सिर्फ हिंदुस्तानी संस्कृति होगी जो 1947 के बाद से शुरू होगी, उससे पहले की फिर खत्म कर देते। भाई बहुत सारी ऐसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात है, तो विक्टोरिया गेट है हमारे यहाँ, हमारे यहाँ अगर कहा जाए तो अमेरिका के प्रेसिडेंट से के बना हुआ कैनेडी ऑडिटोरियम है। तो ये अगर अंग्रेज भी तो दुश्मन उतने ही बड़े हुए, हिंदुस्तान के कायदे पाकिस्तान के कायदे आजम की अगर फोटो लगी है तो 1938 की लाइफ मेंबरशिप की है, उसके ऊपर तो कोई सवाल उठा ही नहीं सकता कोई चीज का। अब उसके बाद उनका क्या पॉलिसी रही, क्या चीज रही इतना ज्यादा, भाई अगर पाकिस्तान से इतनी बड़ी दुश्मनी है चलिए ठीक है हम उसको हटा दे रहे हैं, फिर कोई हिंदुस्तानी ये ना कहे कि हमारा कोई भी अब रिलेशन नहीं है पाकिस्तान से, फिर क्यों मोदी जी पाकिस्तान जाते हैं, क्यों वहां के प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठते हैं, वहां के प्रेसिडेंट के साथ बैठते हैं, क्यों बात करते हैं? कहीं ना कहीं सारी चीजें आप बात कर रहे हो, अपने लेवल पे बात करते हो। मोहम्मद अली जिन्ना को 1938 में लाइफ मेंबरशिप दी गई इसलिए लगी हुई है, इस पर तो कोई सवाल ही नहीं होना चाहिए। आज जैसे हालात है तब भी एएमयू में जन्ना की तस्वीर का ना हटना क्या माना जाए कि यहाँ कानून दूसरा होता है? देखिए हम लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाले बहुत चीजों का ख्याल रखते हैं कि कोई ऐसा मैसेज ना जाए जिससे हिंदुस्तान में या हिंदुस्तानियों के दिल में कोई ठेस पहुंचाए, वो किसी भी रिलीजन का हो, ऐसी कोई बात नहीं है। और कभी भी ऐसा नहीं है, अगर कोई रेजोल्यूशन ऐसा आता है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑर्डर आता है तो बिल्कुल उस पर हम लोग सोच विचार करेंगे। कोई ऐसी जिद नहीं है कि लगा ही रहेगा, जिद नहीं है, पार्लियामेंट के अंदर लगा है, पार्लियामेंट में भी लगी है फोटो। अगर वो कहेंगे कि पार्लियामेंट से हटाया जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना की चीजों को सारी चीजों को हटा दिया जाएगा, और तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तो उसमें उनके साथ साथ देगी। भाई जो हिंदुस्तान चाहेगा वो हिंदुस्तानी, हम लोग हिंदुस्तानी की हैसियत से यहाँ का सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ कानून है, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है, हम उसके फॉलोअर हैं, वो क्या? पहले वहां बात करें फिर उसके बाद हम यहाँ का सोचेंगे। और क्या क्या हिंदुस्तान में ऐसा कोई महापुरुष नहीं है जिसकी तस्वीर एएमयू यूनियन हॉल में लगाई जाए? बिल्कुल क्यों नहीं, गांधी जी की लगी है, महापुरुष है नहीं, हमारे बापू हैं, मैं और उसके अलावा 10-12 लोगों की लगी है, एक वही अकेले सिर्फ मोहम्मद अली जिन्ना की ही नहीं लगी है। सबसे पहले तो ये सोचना चाहिए
कि सबसे पहले लाइफ मेंबर महात्मा गांधी को दिया गया, उनकी फोटो लगी है। उसके बाद नेहरू को दिया गया, उनकी फोटो लगी है। उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना को दी गया, उनकी लगी है। उसके बाद अगर आप बात किया जाए तो कई ऐसे 10-12 अगर आप फोटोग्राफ लेने जाएंगे तो सबकी लगी, जिनको जिनको लाइफ मेंबरशिप दिया गया है एज सच उनकी तक के लगी है। अभी 3 तारीख को हामिद अंसारी साहब आ रहे हैं, उनको भी दी जा रही है, उनकी भी लगेगी फोटो। तो ऐसे जो भी आता है उनका नाम लिख जाता है। अगर फोटोग्राफ की जगह नहीं होती तो ऊपर हमारे यहाँ दूसरे फर्स्ट फ्लोर के ऊपर उनकी फोटो बना के ऊपर लगाई जाती है अगर नीचे जगह नहीं। तो उस वक्त में फोटो बनाई गई थी, जितनी जगह थी सबकी लगा दी गई है। अभी आज अलीगढ़ सांसद सतीश गौतम जी ने एएमयू वीसी को लेटर लिखा है तस्वीर हटाने को लेकर, क्या कहेंगे इस पे? सतीश गौतम साहब से एक चीज मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, वो कोर्ट मेंबर भी हैं एमयू के, तो वो मैं ये कहता हूं कि वो क्या कर रहे हैं, और बहुत सारी चीजें हैं जो अलीगढ़ में करने की जरूरत है। ये सब कन्फ्रंटेशन पैदा करने से और ये आपस में नातफाकियां और एक दूसरे की नफरत फैलाने से अच्छा है, पहले वो तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में है, उनसे सवाल यही सबसे बड़ा है कि उन्होंने उसमें पार्लियामेंट में हटाने की क्यों नहीं कवायद शुरू की। उन्होंने तो वहां देखा बाकायदा, वहां सारी चीज लगी हुई, वहां से क्यों नहीं शुरू की है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उन्होंने मालूम भी नहीं था कि यूनियन हॉल में, मैं कहता हूं कि यूनियन हॉल में लगी है, जिसको देखना हो आके देखे, यूनियन हॉल के अंदर लगी है, क्योंकि वो 1938 में दी गई है। पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो रोज तो रोज देखते हैं जाते में, तो उनको अगर वहां देख रहे हैं और अगर वहां ऐसा है तो पहले वहां हटवाए। और उनसे कहिए कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है अलीगढ़ को, अलीगढ़ को बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जरूरत हैं। यहाँ लाइट रोज कट रही है उसको सही करवाएं, यहाँ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो रोड खराब है उसको सही करवाएं, बहुत ऐसे गरीब हैं जिनको अभी घर नहीं मिला है, बहुत ऐसे वृद्धा लोग हैं जिनको पेंशन नहीं मिल रही, बहुत सारे ऐसे जो है स्टूडेंट है जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिल रही, इस पे भी तो बात कर ले कम से कम। जो उनके आका ने, जो उनकी पार्टी ने वादा किया था आने से पहले पावर में, तो इस पे भी बात कर लें। और अगर ये बात है मोहम्मद अली जिन्ना की तो कह दीजिए कि शुरुआत वहां से करें जहां से वो पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जिस बिल्डिंग में जाकर वो बैठते हैं और हिंदुस्तान की राजनीति करते हैं और हिंदुस्तान को जो है बाकायदा कानून बनाते हैं, वहां से शुरुआत करें। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बिल्कुल जो है इस चीज को फॉलो करेगी, वहां से एक कानून बनवा लें अपने अपनी तरफ से, हम उसमें जो है सबसे पहले इनके साथ खड़े होंगे। तो देखा आपने, ये थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष फैजुल हसन, जिन्होंने साफ बताया और इन्होंने तमाम लोगों की कंफ्यूजन को भी दूर किया, जो लोगों के दिमाग में आजकल एक गहरी समस्या और जो कि हम बता सकते हैं कि जो लोग गलत फहमी का शिकार हो रहे हैं उनको लेकर इन्होंने सभी विरोधाभास चीज़ें दूर कर दी हैं, क्योंकि इनका बयान ये साबित करता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई भी छात्र जिन्ना का समर्थन नहीं करता। अगर केंद्र कहेगा तो वो फोटो हटा देंगे, केवल जिन्ना की नहीं बल्कि सभी की हटा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मामला आप समझिए कि फोटो को लेकर विवाद नहीं है, विवाद वहां की यूनिवर्सिटी को लेकर है। अब पहला विवाद नहीं बल्कि इससे पहले भी वहां पर टारगेट किया जा चुका है, जो कि गलत है। उन्होंने साफ कहा कि विवाद केवल फोटो का नहीं बल्कि विवाद किसी और चीज का है। आप ये देख सकते हैं कि आखिर इसको उठाया किसने, इसको उठाने वाले अलीगढ़ के सांसद बीजेपी सांसद सतीश गौतम, और अब वहां पर आंदोलन करने वाले कौन, वहां के दल जो कि हिंदू दल हैं, और वहां पर घुसने वाले कौन, वहां के हिंदू दल, और वहां पर अब बयान देने वाले कौन, 1,00,000 रुपए की घोषणा करने वाले कौन, जो कि विश्व हिंदू दल। आप देख सकते हैं कि आखिर इस विवाद को गर्मा कौन रहा है और इस विवाद को थामना कौन चाहता है। अगर आप हमारी बात से ज़रा भी सहमत हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर भेजिएगा और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत ही अहम है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली बार फिर होगी मुलाकात ऐसे ही किसी खास प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।